हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेडिजी बाय एस्क्वेयर चैनल में स्वागत है। आज हम रोग निदान का नया टॉपिक निदान अर्थ कर रोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये डिजायर टू नो का टॉपिक है, इसलिए इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो निदान अर्थ कर रोग क्या है? निदान अर्थ करो रोगो रोगस्य अपि उपलभ्यते। द टर्म निदान अर्थ कर रोग रिफर्स टू वन डिजीज विल बिकम द कॉजेटिव फैक्टर फॉर अनदर डिजीज। एक डिजीज़ जो है वो दूसरे डिजीज़ के लिए कॉजेटिव फैक्टर बनता है, उसे हम बोलते हैं निदान अर्थ कर रोग। ठीक है, निदान अर्थ कर रोग निदान बनता है दूसरे डिजीज़ के लिए, एक डिजीज़ दूसरे डिजीज़ के लिए कॉजेटिव फैक्टर बनता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं निदान अर्थ कर रोग। दो टाइप के हैं, एकार्थकारी और उभयार्थकारी। एकार्थकारी का मतलब क्या है? एकार्थकारी रोग मतलब दिस रिफर्स टू मैनिफेस्टेशन ऑफ सेकेंडरी डिजीज विथ डिसअपीयरेंस ऑफ प्राइमरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि एक डिजीज़ दूसरे डिजीज़ के लिए कॉजेटिव फैक्टर तो बनता है, लेकिन जो प्राइमरी डिजीज़ है, जो पहले जो डिजीज़ हुआ है, वो सबसाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ज्वर जो है वो रक्तपित्त के लिए कॉजेटिव फैक्टर बनता है, ज्वर लीड्स टू रक्तपित्त, लेकिन ज्वर जो है वो सबसाइड हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एकार्थकारी रोग। ठीक है, ज्वर लीड्स टू रक्तपित्त, लेटर ज्वर सबसाइड। दूसरा टाइप है उभयार्थकारी रोग। दिस रिफर्स टू मैनिफेस्टेशन ऑफ सेकेंडरी डिजीज विथ परसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी डिजीज। इसमें तो मतलब ऐसा निदान अर्थ कर का मतलब ये तो है कि एक डिजीज़ दूसरे डिजीज़ के लिए पॉजिटिव फैक्टर बनेगा, लेकिन उभयार्थकारी रोग मतलब एक डिजीज़ दूसरे डिजीज़ के लिए पॉजिटिव फैक्टर तो बनता है, लेकिन जो पहले जो प्राइमरी डिजीज़ है वो सबसाइड नहीं होता, वो भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि प्रतिश्याय लीड्स कास, प्रतिश्याय की वजह से कास हुआ है, लेकिन प्रतिश्याय भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, प्रतिश्याय लीड्स कास बट स्टिल प्रतिश्याय विल कंटिन्यू टू बदर। ठीक है, प्रतिश्याय लीड कास बट स्टिल प्रतिश्याय विल कंटिन्यू टू बदर, प्रतिश्याय भी प्रेजेंट रहेगा। दूसरा हमारा टॉपिक है सिलेबस का व्याधि संकर। व्याधि संकर का मतलब है ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारे डिजीज होना। व्याधि संकर के लिए कहा गया है कि ये कृच्छतम है। देखो, तीन वर्ड है, कृच्छ, कृच्छतर और कृच्छतम, तरतम भाव इसमें आता है। कृच्छ का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू क्योर, कृच्छतर मतलब कृच्छ से थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और कृच्छतम वेरी डिफ़िकल्ट टू क्योर। ठीक है, तो व्याधि संकर को कृच्छतम बोला गया है। व्याधि संकर के क्या कॉज हो सकते हैं? तो व्याधि संकर के दो कॉज हैं, प्रयोग अपरिशुद्धत्वात और अन्योन्य संभवात। प्रयोग अपरिशुद्धत्वात का मतलब क्या है कि इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट इम्प्रॉपर होती है और उसकी वजह से अगर व्याधि संकर मतलब बहुत सारे डिजीज हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे प्रयोग अपरिशुद्धत्व। देखो इसका क्या एग्जांपल है, जनरली अतिसार में क्या होता है कि सरगुण बढ़ जाता है, इसलिए उसमें स्तंभन चिकित्सा दी जाती है, लेकिन कंडीशन है आम अतिसार। आम अतिसार में हम स्तंभन चिकित्सा नहीं दे सकते। आम का मतलब क्या है? इनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, मैं आम पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने आम का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आम अतिसार है, अगर इसमें हम स्तंभन चिकित्सा दे देते हैं, तो इसमें पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। और कई डिजीज होते हैं जैसे कि शूल, आना, आधमान, यहाँ पे आधमान है, ठीक है, शूल, आना और आधमान, ऐसे कई डिजीज हो सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे प्रयोग अपरिशुद्धत्व। दूसरा कॉज है व्याधि संकर का अन्योन्य संभवत, अकरेंस ऑफ सेकेंडरी डिजीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी डिजीज। कोई पहले से डिजीज प्रेजेंट है और उसकी वजह से अगर कोई दूसरी डिजीज हो गई अन्योन्य संभवत, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अन्योन्य संभवत, और ये भी एक व्याधि संकर का कॉज है। तो इसमें आपको बस इतना ही करना है कि निदान अर्थ कर रोग का मतलब क्या है कि एक डिजीज दूसरे डिजीज के लिए पॉजिटिव फैक्टर बनता है। दो टाइप हैं, एकार्थकारी उभयार्थकारी। एकार्थकारी में एक डिजीज दूसरे डिजीज का पॉजिटिव फैक्टर तो बनता है, लेकिन जो बाद में वो सबसाइड हो जाता है, तो उसे हम एकार्थकारी कहेंगे। और उभयार्थकारी मतलब एक डिजीज दूसरे डिजीज का पॉजिटिव फैक्टर बनता है, लेकिन वो सबसाइड नहीं होता, वो भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि प्रतिशय की वजह से कास होता है, लेकिन प्रतिशय सबसाइड नहीं होता, प्रतिशय भी प्रेजेंट रहता है। फिर हमने व्याधि संकर देखा कि व्याधि संकर का मतलब है ग्रुप ऑफ डिजीज,
और इसे कृच्छतम कहा गया है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू क्योर, क्योंकि इतनी सारी डिजीज़ हो रही है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, तो उसे हम इजीली ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए इसे कृच्छतम बोला गया है कि ये डिफ़िकल्ट टू क्योर है। फिर दो कॉज हैं व्याधि संकर के, प्रयोग अपरिशुद्धत्वात्, अन्योन्य संभवात्। प्रयोग अपरिशुद्धत्वात् का मतलब है कि इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ट्रीटमेंट का, जैसे कि आम अतिसार है और अगर हम उसमें स्तंभन चिकित्सा देंगे तो पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। फिर अन्योन्य संभवात, तो दूसरे डिजीज़ हो रहा है प्राइमरी डिजीज़ की वजह से, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम निदान पंचक स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।